ऐसा है नसीबा बाबरे, हर मैं ना जानू कैसा है नसीबा बाबरे। बेटा कहाँ हो तुम? फरी बारिश तेज हो रही है, जाओ ऊपर से कपड़े उतार के लाओ, सारे गीले हो जाएंगे। अम्मी मैं दो मिनट में उतारती हूँ। फरी फरी मरियम, क्या हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो? चलो बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। नहीं मुझे पढ़ने दो। अरे बाद में पढ़ना, बारिश हो रही है जल्दी आओ। फरी सिर्फ 10 मिनट है। अम्मी आप भी, यार बहुत मजे की बारिश हो रही है। अम्मी देखे कितना मजा आ रहा है यार। अच्छा जल्दी अंदर आओ। मना करे ना, बस करे, ये काफी देर से नहा रही है। अच्छा नहाने दो ना, बारिश कौन सा रोज रोज होती है। आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट 10 मिनट और नहाना है, अंदर आ जाओ फिर। गई ना तबीयत खराब। अबू आपने ना इसे बहुत नाजुक बना दिया है, मैं भी तो भीगी थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम भी और इसमें फर्क है ना। हाँ भाई मैं तो हूँ सब जान और ये छुई मुई सी। अबू नहीं कहते ऐसे। और ये माँ कहाँ रह गई है तुम्हारी? ले आओ ना यखनी, कितनी देर है अभी। आ रही हूँ बाबा आ रही हूँ। चलो ये लो। चलो ये लो तुम पियो। नहीं 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 अबू, अबू मैं यखनी नहीं पीऊंगी। क्यों भाई पियो, तुम्हारी ठंड उतर जाएगी। मुझे अच्छी नहीं लगती, प्लीज। अच्छी बुरी की बात नहीं है, ये पीनी पड़ेगी, इसमें बहुत ताकत होती है। अबू नहीं। मरियम दवाई समझ के पी लो। अबू चलो शाबाश, चलो पी लो पी लो। पता है मैंने रात ख्वाब में देखा कि मैं उड़ रही हूँ और सारी दुनिया नजर आ रही है मुझे। अच्छा अपना शहर भी नजर आया या उसमें बादल छाए हुए थे? तुम चुप करो, मेरी पूरी बात तो सुनो। ओके प्रिंसेस साहिबा, सुन रही हूँ, सुनाओ। मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी दुनिया देखूँ, हवाओं में उड़ूँ और सिर्फ खुशियां खुशियां हूँ, और जो मैं चाहूँ ना वो हो जाए, और सब मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे, और बस घूमती रहूँ घूमती रहूँ घूमती रहूँ। तुम्हें पता है मरियम, मेरा भी यही दिल चाहता है, लेकिन मैडम साहिबा आप जो ये ख्वाब देख रही हैं ना, इस सब ख्वाब को आप शादी के बाद ही पूरा कीजिएगा। चलो मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। ये ले आपकी चाय। बारिश की पेशींदगोई है, कल भी बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजना चाहिए। वो दोनों कहाँ मानती है छुट्टी करने को, और वैसे भी वैन में तो आना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भरा एहतियात करनी तो जरूरी है ना जमाल। अब हमारी बच्ची छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है और उन्हें जिंदगी के मसाइल खुद हल करने चाहिए। अच्छा वो सोफिया का फोन आया था, वो कल शाम को आ रही है जवाब लेने के लिए, तो आपने क्या सोचा है?
मेरी पापा से बात ही नहीं हो पा रही तो क्या जवाब दूं उसे? तो आप बात कर लेना पापा से, और मुझे यकीन है उन्हें भी इस बात से कोई इनकार नहीं होगा। उनका देखा भाल है अफान, नेक शरीफ बच्चा है। आपा का ही फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम आपा जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जमाल, क्या हाल है आपा? बहुत उम्र है आपकी माशाल्लाह। आपका जिक्र कर रहा था, जिक्र क्या बल्कि आप ही को फोन करने वाला था। फिर देख लो, दिल से दिल को राह होती है। ये तो आपकी मोहब्बत है आपा। अच्छा बताओ तुम क्यों फोन करना चाह रहे थे मुझे? आपा वो असल में शाहना की बहन है ना जी, सोफिया। जानती हूँ। वो अपने बेटे के लिए मरियम का रिश्ता मांग रही है जी। देखो जमाल, मरियम और सना मुझे बहुत अजीज हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी ख्वाहिश है कि मरियम को मैं अपनी बहू बनाकर लेकर आऊं। मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही हूं और मैं मरियम को अहमद की दुल्हन बनाकर रुखसत करके लेकर आऊंगी। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी जल्दी आपा, यानी एक हफ्ते में रुखसती भी? आप मेरी आपा से बात करवाएं ना। अहमद की बिजनेस की मसरूफियत की वजह से मैं सिर्फ 7 दिन के लिए आ सकती हूँ। बस शादी करेंगे, रुखसत करके मैं ले आऊंगी। जी ठीक है, जैसे आप कहें आपा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। देखा, मान गई ना आपा जान भी, मैं कहती थी ना, आपा भी कह रही होंगी कि अच्छा रिश्ता है, फौरन बेटी की रुखसती कर दो। जी नहीं, आपा जान एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आ रही हैं और हमारी मरियम को अहमद की दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगी। क्या, अहमद की दुल्हन? जी। ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता भाई, वो लोग इतने अमीर कबीर फैक्ट्रियों के मालिक, अहमद को तो वहाँ एक से एक लड़की मिल जाएगी, फिर हमारी मरियम क्यों? हमारी मरियम में किसी किस्म की कमी है खुदा न खास्ता, लाखों में एक है। पता नहीं जवाल, मेरे दिल को ये बात नहीं लग रही। अभी मैं सोफिया को क्या जवाब दूंगी? उसे क्या कहना है, उन्हें बता दो कि आपा ने रिश्ता मांगा है और खुदा का वास्ता है, जरा सोचो तो सही। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज, दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं है उस घर में, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोफिया से माजरत कर लो और उसे बता दो कि आपा आ रही है। समझ सकती हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब तो नसीबों की बात होती है ना शाहना पीर, और माशाल्लाह अहमद जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है। मुझे यकीन है कि हमारी मरियम वहाँ बहुत खुश रहेगी। तुम इससे नाराज़ तो नहीं हो ना सोफिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नाराज़ क्यों होंगी, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं और यकीनन इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। मेरी दुआ हमेशा मरियम के साथ है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सोफिया को बहुत बुरा लगा है। यकीनन लगा होगा, मैं कब इस बात से इनकार कर रहा हूँ। तुझे अंदाजा है इस बात का, तुम झूठ थोड़ा ही बोल रही हो, लेकिन अल्लाह का जो बेहतरी मंजूर है होना तो वही है। तुम मरियम से बात करो, अहमद के बारे में पूछो तो सही उससे। जमाल मैं सोच रही थी कि अहमद आ जाए तो फिर ही हम मरियम से बात करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब रहेगा। मरियम अहमद को देख ले, मिल ले, बात कर ले तो उसे फैसला करने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, बात तो मुनासिब है, तो कल के इंतजामात तो मुकम्मल है। जी बिल्कुल। वो लड़की के माँ बाप है, उन्हें इख्तियार है इनकार या इकरार करने का, और वैसे भी जमाल भाई उनके अपने हैं। तो हम भी नहीं थे, हम
तुमने ना मेरे साथ ये क्यों किया? मुझ में क्या कमी है अम्मी? या फिर मुझे लगता हो कि मैं शायद उनकी बेटी को खुश नहीं रख सकता? अम्मी, जब मैंने उनसे मरियम का रिश्ता मांगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें वक्त चाहिए, और वो अहमद के लिए उन्होंने एक फोन पे ही हाँ कर दी। अम्मी, अगर ये गलत नहीं है तो और क्या है? हम बड़े लोग हैं, तुम अपना दिल बुरा मत करो, देखना इसमें जरूर कोई ना कोई बेहतरी होगी। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। अब बताएं मुझे तेरे लिए क्या होगा? वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मरियम की रुखसती करके ले जाना चाह रहे हैं। वक्त कब है? जाहिर है हमें तैयारियों में उनका साथ देना पड़ेगा। आप बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह खालू जान के साथ एक बेटा बन के दूंगी। मरियम, शाहना, अरे भाई जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। शाहना, अरे 2 साल के बाद मिलना कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। ओ, इतनी बड़ी हो गई 2 साल में, इतनी बड़ी हो गई। वालेकुम सलाम भाई। आपा जी, अहमद कहाँ रह गया? हाँ, अभी तो हमारे साथ ही था। यहीं पे था अहमद। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे भाई? अम्मी को गाड़ी में से सामान निकलवा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अहमद ये मैं। अहमद, अहमद। जी अम्मी। ये लो, ये किसी फकीर को दे देना जब बाहर जाओ। आए आपा जी, सफर में थक गई होंगी आप। अहमद तुम भी बैठो बेटा। हाँ, मैं तो अब सफर में बहुत थक जाती हूँ। मरियम, आपा जी के लिए पानी लेकर आओ बेटा। जी अम्मी। मरियम। जी पप्पो। यहाँ आओ बेटा मेरे पास। एक हफ्ते की बात है बस, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। आपा जी ने यहां आने से पहले ही बात तय कर ली थी। तुम्हारी मर्जी, हम लोगों ने इसलिए नहीं पूछी कि तुम पहले अहमद को मिल लो, देख लो। अब तुम्हारी बात भी हो गई है, देख भी लिया तुमने, अब जो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही फैसला करेंगे हम। बिल्कुल बेटा, कोई किसी भी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर। माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद खुश रहे, और वो अपनी औलाद को हर तरह की चीज़ें फराहम करें, और मुझे उम्मीद है कि आपा के घर में इंशाअल्लाह ताला तुम्हें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बहरहाल फैसला तुम्हारा होगा,
तुम अगर हाँ कहोगी तो हाँ, और अगर तुम नहीं चाहोगी तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। तुम बोलो बेटा, बिना झिझक बताओ, जैसा तुम चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। जो आप लोग की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत में कमी नहीं आने देगी। जीती रहो। ये देखो शाहाना, ये मैंने सेट बनवाया है ना, असली नगीनों का है। ये नगीनों वाला बनवाया है सिला, कड़ी नहीं है इसके साथ के। बहुत हसीन, बहुत हसीन, अच्छा लगा। अरे आपा बस कर दीजिए ना। अरे भाई दिखाने तो दो मुझे। एक और जरूरी बात है। जी आपा। मैं रुखसती के फौरन बाद मरियम को दुल्हन के जोड़े में लेकर ही जाऊंगी। हमारी टिकट्स कंफर्म है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जमाल, बारात किसी अच्छे और बड़े होटल में रखना। आप देखिए, आप पर तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे हालात इस तरह के नहीं आ पा कि मैं बहुत धूमधाम से शादी कर सकूं। मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह। देख, यही मैं अहमद से कह रही थी कि 2-3 दिन बाद के टिकट्स करवाओ, लेकिन वो तो पागल हुए जा रहे थे मामू के घर आने के लिए। अब बताओ, जितना कैश घर में था, 4-5 नौकर वहाँ पे उनको तनख्वाहें दी, बाकी जो बचा वो मैं उठा कर ले आई। अब 2-3 दिन तक बैंक बंद थे, वरना मैं इतने लाती जमाल कि तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। आप कैसी बातें कर रही हैं आपा, खुदा का वास्ता है, आपसे लेकर मैं धूमधाम से शादी थोड़ा ही दिखाऊंगा। तो क्या हुआ जमाल, बच्चों के रिश्ते होने से कोई मेरे और तुम्हारे रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना, हम बहन भाई हैं। क्या करूं, जरा सोचने दो कि मैं किससे कहूं कि 35-40 लाख पाक रुपीज मुझको फौरन भिजवा। नहीं नहीं आपा, सोचने दो ना मुझे जरा। हाँ जमाल, तुम ऐसा करो कि तुम यहां पर इंतजाम करो पैसों का, मैं वहां जाती तुम्हें भेज दूं। मरियम रुको, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाह रहा था। आज इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है ना, तुम शायद मुझसे शर्मा रही हो, आई डोंट नो, शायद घबरा रही हो। जी जी नहीं, वो असल में मैं समझ सकता हूँ, बहुत बदल गई हो तुम, बहुत खूबसूरत हो गई। आज से पहले मैंने जब भी अपने लिए लाइफ पार्टनर का तस्वीर किया ना, तुम्हारी ही जैसी लड़की का ख्याल आया। यहां आने से पहले शादी के लिए रेडी नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं शादी के लिए अभी तैयार ही नहीं हूं। लेकिन आज जब तुम्हें देखा ना, देखता ही रह गया। शायद दिल हार गया मैं।
तुम वैसे ही इतना शर्माती हो या मुझसे शर्मा रही हो? बेटा ये उठाओ बैग, आजा बैग उठा कर ले आओ अंदर, ठीक है? आजा आजा। कैसा है नसीब बाबा बोल रे, हर मैं ना जानू कैसा है नसीब बाबा बोल रे। अहमद जमी यहाँ बैठो। हाँ जमाल, ये बताओ कि हक मेहर कितना होना चाहिए? पापा हमारी रिश्तेदारी है आपस में, हक मेहर ये बच्ची का हक है और उसको ये हक मिलना चाहिए, और इसका फैसला हम सब बड़ों के दरमियान होना चाहिए। क्यों क्यों शान जी? वो अम्मी जो पतोंग में हमारा रेस्टोरेंट है वो हम मरियम के नाम कर देते। बहुत अच्छी बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। देखिए आपा, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मैं नहीं समझता कि यह हक मेहर या इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो बेटियों की खुशी की जामिन होती है, इसलिए हक मेहर जो है वो शरई होगा जी। बस क्या जरूरत है शरई हक मेहर कहने की? क्या मतलब? आपा जब लिखवा रही थी तो उनको लिखने देते ना। क्या बेकार बातें कर रही हो तुम? आपको तो मेरी हर बात बेकार लगती है। ओ खुदा की बंदी, तुम्हारी बेटी ने शादी करके उस घर में जाना है, किसी चीज की कमी है वहां? जो कुछ उनके पास है वो तुम्हारी बेटी का ही है ना, तो फिर ये हक मेहर? हक मेहर बेटियों का तहफ्फुज होता है जमाल। होता है तहफ्फुज, मानता हूँ, लेकिन ऐसी जगह पे होता है जहाँ किसी किस्म का कोई अंदेशा हो, कोई खौफ हो, कोई डर हो। अब हमें खुदा ना खास्ता आपा जान पर या अहमद पर कोई शुबा तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता दो, मैं जाकर उनसे कह देता हूँ कि जी हक मेहर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया होगा, क्योंकि हमें आपसे ज्यादा पैसे पे भरोसा है। अच्छा बाबा, गलती होगी मुझसे, बस करें आप, रहने दें, ठीक है, इस बात को खत्म करें आप अब यहीं। हमने सारी जिंदगी अपनी बेटियों को क्या दिया है? प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। दुआ करो कि जिस घर में वो शादी करके जाए वहां उन्हें इज्जत मिले, प्यार मिले, वो उस खानदान से जुड़ी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, बस। आमीन। आप पैसों का बंदोबस्त करेंगे कहां से? पता नहीं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये आसपास तो कोई 10,000 रुपया देने वाला नहीं है, 35-40 लाख रुपया कहां से लेके आऊंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपा इतना खर्चा करेंगी कहां? तुम्हें पता है शादिल औरत है, खुल के खर्च करेंगी। जब पाकिस्तान आती हैं तो लाखों रुपए के तो तहायफ लेके आती हैं, उनके लिए पैसा कोई मसला है? और फिर 35-40 लाख रुपए की उनकी नजर में कोई वक्त नहीं है, हमारे लिए है। और वो कह रही है ना कि वो जाते ही भिजवा देंगी, तो यकीनन भेज देंगी। आप कहें तो मैं सोफिया से बात करूं? नहीं नहीं, सोफिया से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ कुछ। तुमने ख्वाब देखा था ना कि बादलों की सैर कर रही हो, पूरी दुनिया देखने की ख्वाहिश थी, तुम्हारा ख्वाब सच हो गया। अब तो भाई अहमद भाई के साथ कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क की सैर करती फिरोगी। क्या हुआ, इतनी उदासी क्यों छा गई तुम्हारे चेहरे पे? ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया? तो क्या हुआ, तुम जाओ, फिर अम्मी अब्बू और मैं भी आते जाते रहा करेंगे, साथ में मिलकर घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और हाँ मरियम, मुझे वहां पहुंचते ही पिक्चर्स सारी मिल जानी चाहिए, अपने रूम की पिक्चर्स तो जाते ही व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ये सब कुछ क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, पेट पूजा हो रही थी। आ जाओ तुम भी खा लो। नहीं नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं खाना है। तुम जल्दी से उठो और आके कपड़े इस्त्री करो। मरियम कर तो रही है। अरे
तुम मेरी होने वाली भाभी से इतना काम करवा रही हो और खुद मजे से बैठ के फ्रूट्स खा रही हो। चलो मरियम उठो तुम। अरे उठ जाओ। ओए होए, बड़ी फिक्र हो रही है अपनी भाभी की? उससे ज्यादा फिक्र मुझे अपने भाई की हो रही है जो बाहर अकेला बैठा बोर हो रहा है। मरियम तुम बाहर जाओ ना, भाई के साथ अच्छी अच्छी बातें करो। मैं क्या बातें करूंगी, मैं कुछ नहीं। उनसे जाके पूछो कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, ऑफिस से घर कब आते हैं, गाड़ी कौन सी है, घर कैसे, जाके बातें करो। नहीं नहीं, जाऊंगी तो पता चल जाएगा ना सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ पता चल जाएगा, मगर अभी जाके दूसरी कुछ प्यार भरी बातें कर लो। हाँ तो कैसी बातें कर रही हो? तौबा तौबा की बकी, चलो नहीं चप्पल तो पहन लो। अरे सारी बातें याद आ जाएगी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? देखने दो। चलो बीच में नहीं खड़े होते, चलो। वो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, तुम नहीं चाहती थी मेरे साथ बैठना, ये लोग जबरदस्ती ले आए। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम वैसे ही इतना शर्माती हो कि मुझसे शर्मा रही हो? पापा जी भी देख, मैंने मरीज के कपड़े बनाए, कितने प्यारे हैं ना। बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पापा ये लीजिए जी। बहुत अच्छा, ये लीजिए। क्या है ये? आपने कहा था ना 35-40 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने पूरे 40 लाख का बंदोबस्त। तो रखो अपने पास, मैं क्या करूंगी, खर्च करो दिल खोल कर। बाजी आपने तो कहा था कि हाँ हाँ मैंने कहा था, मैं कह रही हूँ कि ये पैसे मेरी जिम्मेदारी। अच्छा ऐसा करो जमान, ज्यादा नहीं तो 10 लाख तुम रखो। लेकिन आपा मैं क्यों परेशान हो रहे हो तुम दोनों हैं? भाई अगर मरियम की शादी कहीं और होती तो मैं उसको कुछ ना कुछ देती ना, बस समझ लो तुम्हारी बेटी का तोहफा है शादी का। और हाँ, जब फरी की शादी होगी ना तो बिल्कुल फिक्र ना करना उसकी शादी। जी आपा। अच्छा दिखाओ तुम क्या दिखा रही थी।
कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह करे कि तुम्हारे नसीब भी इतने ही खूबसूरत हो बेटा। यहां आओ। तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी सोचा ही नहीं था, और तुम्हें रुखसत करने का वक्त आ जाएगा ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। अभी कल ही की बात है, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखा रहा था मैं। मेरी कुल कायनात मेरी दोनों बेटियां हैं, तो बेटियों के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा नहीं जानता, लेकिन इस उदासी के साथ एक बहुत बड़ी खुशी है बेटा, और वे ये कि तुम ब्याह कर आपा के घर जा रही हो। मुझे यकीन है कि आपा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भर कभी मेरा मान ना टूटने देना। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद बेटियों पर मां बाप के घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हां इतना जरूर है, मां बाप हमेशा यही सोचते हैं कि बेटी जब भी घर आए खुशी खुशी आए, बस अपने शौहर की अपने ससुराल वालों की मर्जी से आए। मुझे यकीन है कि तुम अहमद को जब कहोगी तुम्हें हमारे पास भेज दिया करेगा, बल्कि खुद लेकर आएगा। तुम आबाद रहो खुश रहो, बस यही हम चाहते हैं। चलें, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो आओ बेटा। कैसा है नसीबा बाबुल रे हाय मैं ना जानूं, कैसा है नसीबा बाबुल रे हाय मैं ना जानूं, कैसा है नसीबा बाबुल रे हाय मैं ना जानूं, कैसा है नसीबा बाबुल रे। नहीं कहां रह गया, कब से कॉल कर रहा हूं आया ही नहीं। तुम्हें तफसील भी बताई थी फ्लाइट वगैरह की ड्राइवर को, सारी डिटेल्स दी थी, पता नहीं क्यों नहीं आया। जो भी करना है बस जल्दी कर ले, थक गई हूं मैं। क्या करना है, टैक्सी बुलाओ और चलो उसके अंदर, जाओ टैक्सी लेकर आओ।
थकन से बुरा हाल हो चुका है मेरा। बेटा ये उठाओ बैग, आ जाओ बैग उठा कर ले आओ अंदर, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। तुम्हें यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं मिलेंगे, कोई ऐश्वर्या नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है मरियम, बड़ा कठिन वक्त देखा है तुम दोनों को पड़ा कर। अपने बस भूल जाए अब उन सारी बातों को। तुम कभी मत भूलना, जैसे मेरे लिए आप और सना है, वैसे और कोई नहीं हो सकता। कैसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं